वीरों को प्रणाम इस कविता की पढ़ाई करते हैं। आज हमारा देश आज़ाद है। देश को आज़ाद करने के लिए सैकड़ों देशभक्तों ने अपने प्राण दिए। इस कविता में उन्हीं वीरों को प्रणाम किया गया है। अब हम कविता का सरल अर्थ देखते हैं। देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। यह ऐसी धरती है जहाँ पर गंगा जमुना बहती, देश पर मर मिटने की हरदम धुन सी रहती। वीरों के बलिदान से चमका हिंद वतन का तारा, नमस्कार ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। प्राण से प्यारा यानी जान से भी अधिक प्यारा, बहुत बहुत अधिक प्रिय। प्रणाम यानि नमन, सौ सौ बार यानि अनेक बार। जमुना यानि यमुना नदी, गंगा और जमुना नदी उत्तर भारत में है। हरदम यानि हमेशा। धुन यानि लगन, किसी काम में लगे रहना। बलिदान यानि कुर्बानी। वतन यानि देश, जिन्हें देश की मिट्टी का कण कण अपने प्राणों से भी अधिक प्यारा है, ऐसे वीरों को हम बार बार प्रणाम करते हैं। यह ऐसी धरती है जहाँ गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियाँ बहती हैं। यहाँ के लोग देश पर मर मिटने के लिए हरदम तैयार रहते हैं। वीरों के बलिदान से ही दुनिया में हमारे भारत देश का तारा चमका है। आगे देखते हैं। यह आज़ादी नहीं मिली है हमें किसी से भीख में, सीखा हम लोगों ने कुछ तो प्राणार्पण की सीख में। देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। अर्थ देखिए, प्राणार्पण यानि प्राण देना, मर मिटना यानि अपनी जान देना। यह आज़ादी हमें किसी से भीख में नहीं मिली है, हमने जो कुछ सीखा है वह अपने प्राणों का बलिदान करके सीखा है। जिन्हें देश की मिट्टी का प्रत्येक कण अपने प्राणों से भी अधिक प्यारा है, ऐसे वीरों को हम बार बार प्रणाम करते हैं। बच्चों, इस वीरों का प्रणाम कविता में रमेश दीक्षित की, जो इस कविता के कवि हैं, उन्होंने हमें शहीदों को प्रणाम करने के लिए कहा गया है।